2019 से रिलेटेड है, तो आप अगर IPL के फैन है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। IPL 2019 की शुरुआत हो चुकी है और अब इससे रिलेटेड काफी बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। IPL 2019 में होने वाले ट्रेड से लेकर प्लेयर्स के चेंजेस होने वाले हैं, उनसे लेकर प्लेयर्स टीम छोड़ रहे हैं और नई टीम ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसी बीच मैं आपको बताने वाला हूँ वो तीन बड़े रूल्स जो IPL 2019 में लागू होने वाले हैं और जिस कारण से IPL 2019 कुछ खास रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहला नियम ये है कि वो ये है कि किसी भी फ्रेंचाइज के पास अब डबल जर्सीज यूज करना कंपलसरी हो गया है, यानी सभी टीम के पास अब दो प्रकार की जर्सी होंगी, एक अपने घरेलू मैचेस में मैचेस खेलने के लिए और दूसरी जर्सी दूसरी टीम के होम ग्राउंड में खेलने के लिए, यानी अब दोनों ही टीम्स के पास दो अलग अलग प्रकार की जर्सियां होंगी जिससे किसी भी होम ग्राउंड में यह पता चल सकेगा कि कौन सी टीम किस मैदान पर खेल रही है। तो वही जो दूसरा नियम है वो ये है कि अभी तक आपने देखा IPL ट्रेड शुरू हो चुका है, नए प्लेयर्स अपनी अपनी नई टीम में जा रहे हैं, साथ ही साथ बड़ी बड़ी रकम में बिना IPL ऑक्शन के ही इनका ट्रांसफर किया जा रहा है और जो प्लेयर्स का अभी ट्रेड नहीं होगा यानी जिस प्लेयर को टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा उसको ऑक्शन में जरूर से लाया जाएगा और उस पर नीलामी होगी। लेकिन अब IPL ट्रेड कंपलसरी कर दिया गया है, यानी हर टीम को किसी न किसी एक प्लेयर को टीम से निकालना जरूरी है और एक प्लेयर को बिना ऑक्शन के टीम में शामिल करना भी जरूरी है। तो ये तो है दूसरा नियम। तो ये दो नियम चेंजेस होने वाले हैं IPL 2019 में। साथ ही साथ एक और जो तीसरी बड़ी बात ये है कि IPL 2019 में हमें उतना मजा नहीं आएगा जिस प्रकार से हमने बाकी सभी IPL सीजन को एंजॉय किया है। वो इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी टीम्स ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका इन सभी टीम के बोर्ड ने इन प्लेयर्स को परमिशन नहीं दी है पूरे प्रकार से कि ये IPL का पूरा सीजन खेले, जिससे इन्हें चोटिल होने की भी संभावना है और इसके जस्ट बाद वर्ल्ड कप शुरू होना है। सभी टीम वर्ल्ड कप को हासिल करना चाह रही है, ऐसे में कोई भी बोर्ड अपने प्लेयर्स को सभी मैचेस खेलने के लिए परमिट नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से IPL 2019 कौन सी टीम जीतने वाली है? कमेंट